हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम विक्रांत भारद्वाज, यू आर फिजिक्स ट्यूटर। और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर, इसमें हम डिस्कस करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हमने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया। आज हम इसकी डेफिनेशन और फिर इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज का टॉपिक है बच्चों इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड में क्या होगा बच्चों, इसमें हम कंसीडर करते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस आया है इसका मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, इंस्टेंटेनियस का मतलब है एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। इंस्टेंटेनियस के केस में जो टाइम होगा वो वेरी वेरी स्मॉल टाइम कंसीडर करेंगे, वेरी वेरी स्मॉल टाइम, वेरी वेरी स्मॉल टाइम। और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के केस में क्या था बेटा, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के केस में जो टाइम था वो हमने डेल्टा टी कंसीडर किया, मींस डेल्टा टी टाइम एक शॉर्ट टाइम था, ठीक है, मीन्स वो ड्यूरेशन था T1 माइनस T2, वो कितना भी हो सकता है, 1 डे 2 डे 3 डेज, पर ये जो आपका टाइम इंटरवल है इसको हम dt से रिप्रेजेंट करेंगे, और dt मीन्स वेरी वेरी स्मॉल। सपोज करो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि आपको एग्जैक्ट 5 सेकंड तक कोई कार चलती है, तो एग्जैक्ट 3.00001 पे उसकी स्पीड कितनी थी। फिर से सुनिए, अगर मैं कहता हूँ 5 सेकंड तक मान लीजिए कोई बॉडी मूव करती है, तो आपको उसकी वेलोसिटी बतानी है, उसकी स्पीड बतानी है एट ए इंस्टेंट ऑफ 3.00000001 सेकंड पे। तो ये जो ड्यूरेशन है बेटा, ये जो ड्यूरेशन है ये वेरी वेरी स्मॉल होगा। एवरेज स्पीड बच्चों कब इंस्टेंटेनियस स्पीड बन जाएगी, जब ये टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, स्मॉल। देखो एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। मान लीजिए एक्स हमने डिस्टेंस के लिए रिप्रेजेंट किया और एस हम डिस्प्लेसमेंट के लिए करेंगे। तो एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड कब बन जाएगी बच्चों, इंस्टेंटेनियस अगर ये जो टाइम है, टाइम लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एक्स डेल्टा टी, इसको हम लिखेंगे dx अपॉन dt। इसको क्या लिखेंगे बच्चों, dx अपॉन dt। dx मीन्स स्मॉल डिस्टेंस कवर किया इन द स्मॉल ड्यूरेशन dt टाइम में। इस ड्यूरेशन में उसने जितना डिस्टेंस कवर किया dx, कितने टाइम में, 0.00001 सेकंड में। तो अगर इतना शॉर्ट ड्यूरेशन है तो हम उसको कंसीडर करेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। डेफिनेशन की बात करें बच्चों, तो डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द स्पीड ऑफ ए बॉडी एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। इट इज़ ए स्पीड ऑफ ए बॉडी एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। और एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस हम कंसीडर करेंगे, टोटल टाइम टेकन कंसीडर करेंगे, उसको क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इंटरवल। चलिए कुछ क्वेश्चन की हेल्प से आपको इसको समझाता हूँ। तो अभी बच्चों हमने स्पीड का पढ़ा, ऐसे ही वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा ds अपॉन dt। आपने 9th क्लास में बच्चों ग्राफ पढ़ा होगा, st ग्राफ, ठीक है। इस st ग्राफ में क्या है, मान लीजिए आपकी जो स्पीड है वो इंक्रीज कर रही है, कोई भी इक्वेशन मैंने कंसीडर कर ली, लेट अस कंसीडर s इज इक्वल टू t स्क्वायर। तो यहाँ पे जो स्पीड आएगी, जो वेलोसिटी आएगी, इसको डिफरेंशिएट किया ds अपॉन dt, डिफरेंशिएट किया ds अपॉन dt, या फिर आप सिंपल देखिए पहले टाइम के साथ साथ आपकी जो डिस्टेंस कवर होगा, ये t जीरो में कितना डिस्टेंस, जीरो, जब टाइम वन रखा तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, वन, टू रखने से कितना हो जाएगा बच्चों, फोर, और थ्री रखने से इसका स्केयर करेंगे, नाइन। तो आप देखिए ईच सेकंड, यहाँ पे इंटरवल कितना है, 1 1 1, एक एक सेकंड का गैप है बच्चों, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट सेकंड में उसने एक मीटर कवर किया, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस इज इन मीटर एंड टाइम इज इन सेकंड।
एक सेकंड में कितना, एक मीटर। नेक्स्ट सेकंड में उसने कितना कवर किया, थ्री मीटर। नेक्स्ट वन सेकंड में कितना कवर किया, फाइव मीटर। तो आप यहाँ पे देखिए, ये जो स्पीड है उसकी वेरी कर रही है, चेंज कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो इसका ग्राफ आएगा बच्चों लाइक दिस, इस टाइप से ग्राफ आएगा। फर्स्ट सेकंड में लेट अस कंसीडर दिस मच डिस्टेंस, नेक्स्ट वन सेकंड में उसने और ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, नेक्स्ट वन सेकंड में और ज़्यादा। तो इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हम ग्राफ क्या आएगा, एसटी ग्राफ। नाइन्थ में भी हमने इस टाइप से ग्राफ डिस्कस किए थे। और जो स्लोप होता है बच्चों, स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ, दोनों चीज़ों को मैं रिलेट कर रहा हूँ, स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ क्या रिलेशन होता है इनका, देखिए एसटी ग्राफ, स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप, स्लोप कैसे बताते हैं बेटा, जिस भी पॉइंट पे आपको स्लोप कैलकुलेट करना है वहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, ठीक है। इस टेंजेंट ने लेट अस कंसीडर थीटा डिग्री बनाया, तो ये जो थीटा है 10, इस टेंजेंट ने थीटा बनाया, तो ये जो 10 थीटा आएगा दिस इज द स्लोप। और टेंजेंट थीटा हम कैसे निकालते हैं बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जनरली ये वाली जो साइड है ये एस है, तो हम क्या कहेंगे, डी एस अपॉन डी टी। ये जो इसका स्लोप है, स्लोप ऑफ द एस टी ग्राफ टेंजेंट थीटा डी एस बाई डी टी, और ये क्या है, वेलोसिटी। तो ये दोनों ही चीज़ आपस में इंटर रिलेटेड है, मीन्स अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है, कौन सी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो आप स्लोप की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। इस पॉइंट पे ये स्लोप है, और इस पॉइंट की बात करता हूँ तो मैं, ये जो स्लोप होगा, ये टेंजेंट ड्रॉ किया, ये लाइन, ये थीटा, ठीक है। ये थीटा की वैल्यू कम है बेटा, लेस, दिस थीटा इज मोर। तो आप देखेंगे स्लोप इंक्रीज कर रहा है, स्लोप क्या कर रहा है बच्चों, इंक्रीज मींस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। इस इंस्टेंट पे कम है वेलोसिटी, इस इंस्टेंट पे ज़्यादा है। एक ये तरीका होता है बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करने का, पर इतना टाइम नहीं होता कि हम ग्राफ बना के ड्रॉ करें। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन के मेथड को फॉलो करते हैं। डिफरेंशिएशन बेटा मैथ का एक टूल है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। इससे डरने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हमारी फिजिक्स को ईजी और इंटरेस्टिंग बना देगा। जहाँ हमें इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ रही थी, ग्राफ ड्रॉ किया, टेंजेंट निकाला, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस थी, उसके अल्टरनेट मेथड क्या है, शॉर्ट टाइम में सोल्व करने का, डिफरेंशिएशन। आपको बेटा फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल डिफरेंशिएशन, जनरल मैथ, बेसिक मैथ आना ही चाहिए। तो अगर आपको डिफरेंशिएशन आएगा तो आगे ये लेक्चर कंटिन्यू रहेगा, और वो इसके लिए मैं आपको बेसिक कुछ फॉर्मूले बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक्स की पावर एन, इसको डिफरेंशिएट करना है बच्चों, x की पावर n, इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट। d बाई डी एक्स क्या होता है, डिफरेंशिएशन का सिंबल। तो क्या फॉर्मूला है बच्चों इसका, जो भी पावर है x की पावर n, जो भी पावर है n वो आगे आ जाएगी, और x की पावर n माइनस वन, ये इस तरह से हम डिफरेंशिएट करते हैं। थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। सपोज कीजिए x की पावर 10 को डिफरेंशिएट करना है, तो क्या आ जाएगा बच्चों, 10x की पावर 9। x की पावर माइनस सेवन को करना है, तो पावर इस बार माइनस सेवन है, आगे आएगी माइनस सेवन, एक्स की पावर एक सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस सेवन माइनस वन माइनस एट, इस तरह से करेंगे। तो ये जो जनरल फॉर्मूला है हर स्टूडेंट को आना चाहिए, फर्स्ट वन। सेकंड जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है इन केस ऑफ डिफरेंशिएशन, जब भी बेटा किसी कॉन्स्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कॉन्स्टेंट दैट इज जीरो, क्या होगा बेटा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। तो अगर मैं कहता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ फाइव करो, फाइव एक कांस्टेंट है, वैल्यू चेंज नहीं होती, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होगा। तो ये दो फॉर्मूले आप साइड बाय साइड अपने फिजिक्स की नोटबुक में भी नोट्स बनाएंगे तो ये लिखेंगे, डिफरेंशिएशन वेरी एसेंशियल फॉर इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी। लेट्स सी, तो ये दोनों फॉर्मूले आई होप आपको क्लियर हैं। अब हम न्यूमेरिकल के लिए चलेंगे। तो यहाँ पे बेटा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डी एस बाई डी टी, ये हमने उससे निकाला, मेथड से निकाला। और ये किसके इक्वल होगा, स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ कैसे देंगे, 10 थीटा, और स्लोप क्या देता है बेटा, वेलोसिटी। आपस में सभी क्या चीज़ें हैं, इंटर रिलेटेड हैं। क्या है आपस में सभी चीज़ें, इंटर रिलेटेड। एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, इजी से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लेट अस कंसीडर एस इज इक्वल टू, एक इक्वेशन गिवन है, एस इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टू।
एस किसके इक्वल है बच्चों, टी स्क्वायर प्लस टू। आपको क्या करना है बच्चों, इसमें फाइंड वैल्यू इंस्टेंटेनियस स्पीड फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड एट टी इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3। लेट अस कंसीडर, फाइंड इंस्टेंटेनियस स्पीड एट टाइम 1 सेकेंड 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड, ठीक है। इसी क्वेश्चन में बच्चों एवरेज स्पीड भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ऑल्सो फाइंड एवरेज स्पीड, ऑल्सो फाइंड एवरेज स्पीड बिटवीन 1, 2, 3 सेकेंड, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में दोनों कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन बच्चों गिवन है, एस और टी के बीच में रिलेशन। एक तो निकालनी है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एट एनी इंस्टेंट, 1 सेकेंड पे कितनी स्पीड, 2 सेकेंड पे कितनी, 3 सेकेंड पे कितनी, और एवरेज स्पीड में 1 और 3 के बीच में जितना टोटल डिस्टेंस कवर किया डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों वेलोसिटी निकालेंगे हम। वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, वी इंस्टेंटेनियस डिफ्रेंशिएट करना है डी बाय डी टी ऑफ एस। अभी हमने डिफ्रेंशिएशन सीखा तो इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे डी बाय डी टी। पहले आप सिस्टमेटिक ढंग से कीजिए, जब प्रैक्टिस हो जाएगी फिर शॉर्टकट अप्लाई करेंगे। टी स्क्वायर प्लस टू, तो टी स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो भी पावर है बताया था आपको आगे आ जाएगी 2t, और 2 क्या है बच्चों, कांस्टेंट, कांस्टेंट का कितना होगा 0। तो कहने का मतलब क्या है, वी इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला आया अपना वी इंस्टेंटेनियस 2t, दिस इज द इक्वेशन। अब आपको निकालनी है वी इंस्टेंटेनियस 1 सेकेंड पे, तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा वी इंस्टेंटेनियस एट 1 सेकेंड कितना बच्चों 2। वी इंस्टेंटेनियस एट 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे कितना आ जाएगा, 2 पुट करो 4 आएगा मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जनरल यूनिट्स 3 पे कितना आ जाएगा बच्चों, वी एट 3 सेकेंड, 3 × 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये 3 आंसर हमारे यहाँ से कैलकुलेट हुए, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ, ए पार्ट। बी में पूछा गया बच्चों एवरेज स्पीड बिटवीन 1 to 3 सेकेंड, तो अब एवरेज स्पीड निकालनी है, ठीक है। वी निकालना है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड के केस में बच्चों क्या फॉर्मूला यूज करोगे, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। यहाँ ds बाई डी टी है और यहाँ क्या है डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स का मतलब क्या है, इनका डिफरेंस कहाँ से कहाँ तक, 1 से 3, तो मतलब s3 माइनस s1 अपॉन t3 माइनस t1। तो पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, इस इक्वेशन का यूज करके s3 निकालना पड़ेगा, s1 निकालना पड़ेगा। s3 की वैल्यू बताओ, 3 पुट करो t के प्लेस पे, s3 3 9 और 2 11। यहाँ पे बच्चों 1 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 3, तो दोनों 11 और 3 की वैल्यू फॉर्मूले में पुट कीजिए, 11 माइनस 3 और 3 माइनस 1, तो ये हो गया बच्चों 8/2 4 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द एवरेज स्पीड बिटवीन 1 एंड 2, ठीक है बच्चों। इसमें अगर पूछ सकते हैं कि वो कौन सी स्पीड है जो दोनों में आ रही है, तो ये क्या है, या वो कौन सा टाइम है जहाँ पे एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल होगी, तो वो आपको देख के आइडिया लग जाएगा कि 2 सेकेंड पे एवरेज और इंस्टेंटेनियस क्या है इक्वल। तो ये हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया, ठीक है। अब थोड़ा फास्टली करेंगे बेटा, फास्ट। सेकेंड क्वेश्चन में मैं कहता हूँ बेटा t³ 5t² + 2। ये कोई मैंने क्वाड्रेटिक बल्कि क्यूबिक इक्वेशन कंसीडर की, t³ 5t² + 2। आपको बताना है बच्चों इसमें फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 1, 2 एंड फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम गिवन है बच्चों 1 सेकेंड 2 सेकेंड एंड 10 सेकेंड। चलिए पहले इतना ही करते हैं। तो इस बार क्या करना है बच्चों, v की वैल्यू क्या आ जाएगी, फॉर्मूला इंस्टेंटेनियस का है तो डिफरेंशिएशन, यू गो फॉर डिफरेंशिएशन, ds बाई डी टी
थ्री पावर है आगे आएगी, थ्री टी स्क्वायर, टू आगे आएगा, फाइव ऑलरेडी है, टेन टी प्लस टू क्या है बच्चों, कांस्टेंट, कांस्टेंट का जीरो। तो ये अपने पास इक्वेशन आ गई, दिस इज द इक्वेशन। तो अगर वन पे निकालनी है, वन सेकंड पे निकालनी है, तो कितना आ जाएगा, थ्री माइनस टेन माइनस सेवन मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट टू सेकंड पे निकालो बेटा, टू रखोगे, फोर ट्वेल्व माइनस ट्वेंटी माइनस एट मीटर पर सेकेंड। और निकालिए टेन सेकंड पे, निकालिए बच्चों टेन सेकंड पे, तो टेन रखिए यहाँ पे, हंड्रेड थ्री हंड्रेड माइनस हंड्रेड, तो टू हंड्रेड मीटर पर सेकेंड। इस टाइप से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। दीज आर द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, वन सेकेंड, टू सेकेंड एंड टेन सेकेंड। ये पूछा जा सकता है बच्चों इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट में, अगर मैं पूछता हूँ फाइंड द टाइम वेयर द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेयर द वेलोसिटी वेयर द बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है, वेयर द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज जीरो। फाइंड टाइम, वो टाइम बताइए वेयर वेलोसिटी इज जीरो, वेलोसिटी इज जीरो, या फिर इनडायरेक्टली पूछ सकते हैं वेयर द बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट। वो टाइम बच्चों जब बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट का मतलब वही वेलोसिटी जीरो। तो ये जो इक्वेशन है अपने पास v की, थ्री टी स्क्वेयर माइनस टेन टी इज इक्वल टू जीरो, बॉडी रेस्ट में मतलब स्पीड जीरो होगी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हमने t कॉमन लिया, 3t माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो, तो दो रूट बन जाएंगे, एक तो t की पावर जीरो और एक यहाँ से बनेगा बच्चों t इज इक्वल टू टेन बाई थ्री। मीन्स t इज इक्वल टू जीरो का मतलब रेस्ट ओरिजिन, स्टार्टिंग में बॉडी क्या है, रेस्ट में है, और उसके बाद कब अगेन रेस्ट में आई, टेन बाई थ्री मीन्स 3.33 सेकंड के बाद बॉडी फिर से रेस्ट में आ गई। तो स्टार्टिंग में रेस्ट में थी और इतने टाइम के बाद बॉडी फिर से अगेन इन रेस्ट। तो यहाँ पे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कीजिए। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे एक क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप का। तो लेट अस कंसीडर टू टी स्क्वेयर प्लस थ्री टी प्लस सिक्स, टू टी स्क्वेयर प्लस थ्री टी प्लस सिक्स। और यहाँ पे बच्चों आपको इंस्टेंटेनियस फाइंड वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू टू सेकेंड, फाइंड वेलोसिटी, वेलोसिटी बतानी है एट टी इज इक्वल टू टू सेकेंड। तो बच्चों जब इस तरह से पूछा जाता है कि दो सेकेंड पे बताओ, पाँच सेकेंड पे बताओ, मींस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ऑल्सो फाइंड, ऑल्सो फाइंड एवरेज वेलोसिटी बिटवीन वन एंड फोर, बिटवीन वन टू फोर सेकेंड, या फर्स्ट फोर सेकेंड कह देता, ठीक है। तो यहाँ पे हम लास्ट क्वेश्चन दोनों चीज़ें निकालेंगे इसमें। ये हमारी इक्वेशन है बच्चों डिस्प्लेसमेंट एस टी के बीच में रिलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए आपको क्या याद करवाया मैंने, डिफ्रेंशिएशन वाला मेथड डी एस बाई डी टी निकालना है। डिफ्रेंशिएट करो इसको टाइम के रिस्पेक्ट में, तो टू आगे आएगा, फोर टी प्लस थ्री, अब प्रैक्टिस होगी बेटा आपकी, फास्ट करना है, फोर टी प्लस थ्री टाइम टी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टू सेकेंड, तो टू रखेंगे कितना आ जाएगा, एट प्लस थ्री इलेवन मीटर पर सेकेंड, फर्स्ट आंसर, दिस इज द फर्स्ट आंसर। ऑल्सो फाइंड एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का मतलब होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, एस लिख लीजिए, एक्स लिख लीजिए, ठीक है। डेल्टा का मतलब क्या है, वन से फोर है ना, तो इसमें एस फोर माइनस एस वन, डेल्टा टी का मतलब है बच्चों टी फोर माइनस टी वन, मीन्स एस फोर पे एस वन पे आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी, निकालिए एस फोर एस वन, ये एस है एस फोर, टाइम फोर रख दीजिए, कितना होगा 32 प्लस 12 प्लस 6,
50 आएगा, ठीक है। और S1 फिर से चेक कर लीजिए, 32 और 6, 38, 40, 50। S1 1 पे चेक करो बेटा, 2 प्लस 3 प्लस 6, 11। ये दोनों वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कीजिए, 50 माइनस 11 अपॉन 4 माइनस 1, तो ये आ गया आपका 39 अपॉन 3, तो आंसर इज 13 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज स्पीड है बिटवीन 1 to 4 सेकेंड, और ये एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम 2 सेकेंड पे इसकी स्पीड है। करो बेटा नोट डाउन कीजिए। अब बेटा एक नई टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, इम्पोर्टेंट टाइप। इसमें आपको क्या चेक करना होता है बेटा, कि जब बॉडी मूव कर रही है उसने टर्न तो नहीं किया। जब भी आपसे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, ठीक है, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी पूछी जाती है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कहीं बॉडी ने टर्न तो नहीं किया। एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। कंसीडर कीजिए कोई इक्वेशन है बच्चों, एक्स इज इक्वल टू 2t माइनस टी स्क्वायर, 2t माइनस टी स्क्वायर। यहाँ पे बच्चों आपको एवरेज स्पीड बतानी है एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड। फाइंड एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इन या इन टाइम कितना गिवन है, टी 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में आपको क्या बतानी है बच्चों, एवरेज स्पीड। तो यहां से स्पीड, एवरेज स्पीड पूछी है कितने टाइम में, टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो ये इसका सॉल्यूशन देखिए, कैसे सोल्व करेंगे आप इस टाइप के क्वेश्चन। पहले तो आप निकालिए यहां से वेलोसिटी, निकालिए स्पीड, निकालिए स्पीड। वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, क्या फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, 2 और ये क्या हो जाएगा, 2t, 2 माइनस 2t। अब आपको निकालनी है 3 सेकेंड पे, तो पहले निकालो v x, ये टाइम लगा लीजिए 0 पे, इसकी स्पीड निकालो आप और एक इसका डिस्टेंस, x निकालो t 0 पे और इसकी स्पीड निकालिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड। पर्टिकुलर टाइम तो कौन सी स्पीड होगी, इंस्टेंटेनियस। तो x 0 पे बच्चों, यहाँ पे मैंने टाइम 0 किया, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, मतलब बॉडी कहाँ है, ओरिजिन पे। बॉडी कहाँ है, ओरिजिन पे, ये ओरिजिन हो गया, टी जीरो पे एक्स जीरो। अच्छा, किधर चलने की तैयारी कर रही है, स्पीड वी। अब यहाँ पे टी जीरो रखोगे आप तो इसकी वैल्यू क्या आई है, वी 2 आई है पॉजिटिव, प्लस 2 मीटर पर सेकेंड, मीन्स इसकी डायरेक्शन इधर की साइड है 2 मीटर पर सेकेंड, और ये कहाँ है, जीरो पे, टी जीरो पे ओरिजिन। अब जो पूछा गया है क्वेश्चन में, फर्स्ट स्टेप प्रोसीजर देखिए, फर्स्ट स्टेप में टी जीरो पे दोनों पैरामीटर निकाले, ग्राफ में आपने ड्रा कर लिए, चाहे रफली बनाइए। अब यही दोनों पैरामीटर बच्चों आप टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड के लिए अप्लाई कीजिए, एक्स और वी। चेक करो बॉडी कहाँ पे है और किस डायरेक्शन में जा रही है, टी इज इक्वल टू 3, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 3 = 6, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 3 मीटर पे मिली आपको बॉडी, माइनस 3। ये तो प्लस में है बेटा, इधर 1, 2, 3, इधर चलो -1, -2, -3, -1, -2, -3, जो बॉडी यहाँ पे थी और इधर जा रही थी वो आपको घूम यहाँ मिली। हाउ इट इज़ पॉसिबल, कोई चीज़ इधर जा रही है और वापस मिलती है, इसका मतलब उसने टर्न लिया, इसका मतलब उसने टर्न लिया। और 1D डायमेंशनल मोशन में, 1D मोशन में बेटा कोई भी बॉडी मैं ऊपर फेंकता हूँ, 1D का एग्जांपल है, ठीक है, वो क्या करेगी, एक हाइट तक जाएगी, पर्टिकुलर मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, मोमेंट्री एट रेस्ट, वेलोसिटी 0 एंड देन रिवर्स डायरेक्शन। तो यहाँ पे उसने टर्न लिया तो उसकी एक कंडीशन हमें आइडिया लगा कि वेलोसिटी 0 हो जाती है। अब बच्चों हम वो टाइम निकालेंगे जब वेलोसिटी 0 है, तो ये वेलोसिटी की इक्वेशन, ये 0 कब आएगी वेलोसिटी, तो 2 − 2t, तो यहाँ से निकाल लेंगे 2 = 2t, और 2 से 2 कैंसिल, मीन्स t = 1 सेकेंड पे बॉडी ने टर्न किया, बॉडी टेक्स ए टर्न।
ये तो टाइम पता चला हमें, क्या पता चला बच्चों, टाइम। थर्ड स्टेप है इसका, जो फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप में वो टाइम निकाला, और उस टाइम वन सेकंड पे, उस टाइम वन सेकंड पे दोनों पैरामीटर कौन से, एक्स और वी निकाल लेंगे। तो एक्स निकालो बच्चों, वन पुट कीजिए यहाँ पे, टू माइनस वन वन मीटर, मीन्स वन मीटर पे उसका टर्न हुआ। और वेलोसिटी आप चेक कीजिए, वन रखो यहाँ पे, टू माइनस टू जीरो, वेलोसिटी क्या है, जीरो। यहाँ वेलोसिटी क्या थी बच्चों, यहाँ नहीं चेक किया आपने वी वेलोसिटी, तो टी थ्री पे वेलोसिटी कितनी थी, टू माइनस सिक्स माइनस फोर मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे वेलोसिटी माइनस फोर, मतलब बॉडी इधर जा रही है, उसके बाद बॉडी इधर जा रही है, माइनस फोर, माइनस फोर है ना, इधर तो प्लस होगा, इस डायरेक्शन में जा रही है। यहाँ लिख देता हूँ माइनस फोर मीटर पर सेकेंड, और एक्स कितना है, माइनस थ्री। ये एक्स जीरो टी जीरो, ये फर्स्ट वन है, ठीक है। वन सेकेंड पे बॉडी वन मीटर पे है, ये है बच्चों वन मीटर, वन मीटर। तो हुआ क्या होगा, बॉडी ऐसे चली, यहाँ से बॉडी ने टर्न लिया और यहाँ तक आई। ये जो मैं दूसरे कलर से बना रहा हूँ, इससे आपको इसका पाथ पता चलेगा। एक्चुअल में ये यू टर्न भी नहीं होता, बॉडी ऐसे गई ऐसे गई वापस आई, ये इसलिए होता है ताकि आपको इस चीज़ को दिखा सके। तो अब बेटा अपना ये ग्राफ कंप्लीट है, इतना करने के बाद आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा। जो बच्चे डायरेक्ट करेंगे, वो जो निकालेंगे डायरेक्ट, वो गलत ही होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अब एवरेज स्पीड निकालनी है 3 सेकंड में। तो टाइम तो गिवन है, एवरेज स्पीड के लिए क्या है बच्चों, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना, 1 मीटर इधर, 1 मीटर इधर, उसके बाद वापस 1 मीटर, 2, 3, 4, 5, 5 मीटर डिस्टेंस इसने कवर किया 3 सेकंड में। तो 5/3 मीटर पर सेकंड इज़ द एवरेज स्पीड। और अगर बच्चों इसी क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में मैं आपसे एक चीज़ और पुट अप करता हूँ, सेकंड, दिस इज़ द ए पार्ट एंड दिस इज़ बी पार्ट, ऑल्सो फाइंड एवरेज वेलोसिटी, सेम टाइम में ऑल्सो फाइंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के लिए बच्चों 3 सेकंड के लिए आपको चाहिए डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल टू फाइनल, 1, 2, 3, ये 3 किधर है डिस्प्लेसमेंट, बल्कि -3 लिखिए आप, अगर आपको अच्छी नॉलेज है, इधर वाली डायरेक्शन माइनस अपॉन 3, तो ये आंसर आएगा बच्चों -1 मीटर पर सेकेंड। 1 भी नहीं कहना, जो वेलोसिटी एक वैक्टर क्वान्टिटी है, तो आंसर क्या है, -1 मीटर पर सेकेंड इन दिस डायरेक्शन। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए, एक क्वेश्चन और आपकी प्रैक्टिस कराता हूँ, देन इनफ। एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा, इससे और कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। लेट अस कंसीडर, एक्स गिवन है, मान लीजिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप इसमें ले सकते हैं। लेट अस कंसीडर टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 4, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने ली, क्वाड्रेटिक इनफ है। क्यूबिक भी हो सकता है बच्चों, पर क्यूबिक में क्या होगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, प्लस वन लेवल तक क्वाड्रेटिक के ही आते हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव लेवल तक। तो यहाँ पे आपको बतानी है बच्चों, फाइंड एवरेज स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड इन 5 सेकंड, इन 5 सेकंड, 5 सेकंड में आपको एवरेज स्पीड बतानी है। सेम प्रोसीजर, बिल्कुल जस्ट आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो ये क्वेश्चन आप अपने आप भी कर सकते हैं पॉज करके। x इज इक्वल टू वी क्या हो जाएगा बेटा, 5 सेकेंड्स, v क्या हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, वेलोसिटी निकालिए, dx/dt, ठीक है। तो ये v x दोनों ही चलते हैं बेटा इसमें, ठीक है, x में दे रखा है तो x में ले लो, s में दे रखा है, st रिलेशन है, तो s और x दोनों ही डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस। अगर इनके ऊपर लग गया वेक्टर का साइन तो ये हो जाएंगे डिस्प्लेसमेंट, क्या हो जाएंगे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, 2t-6। सबसे पहले क्या बताया था बच्चों, फर्स्ट स्टेप में t की वैल्यू निकालनी है 0 पे, कि बॉडी कहाँ है, किस स्पीड से चल रही है, t = 0। तो t 0 पे बॉडी है जी 4 मीटर पे, मिली हमें ये 1, 2, 3, 4, यहाँ पे बॉडी मिल रही है, यहाँ पे,
इनिशियल पोजीशन। ठीक है बच्चों, वेलोसिटी क्या है, जीरो पुट करोगे माइनस सिक्स मीटर पर सेकेंड इधर की साइड है, वेलोसिटी मतलब इधर चलेगी। एक चीज़ क्लियर हुई आपको, तो यहाँ पे मैंने इसकी वेलोसिटी भी लिख दी माइनस सिक्स मीटर पर सेकेंड, और ये क्या है डिस्टेंस 4 मीटर। चलिए जी, सेकेंड वो प्रोसीजर का वो स्टेप है जहाँ हमें कैलकुलेट करनी है। T5 पे देखते हैं, चली वहाँ से पहुँची कहाँ, एक्स और वी। एक्स की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 5 रखिए, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 30 प्लस 4 29, तो ये माइनस 1। फिर से एक बार चेक कर लीजिए, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 30 प्लस 4 तो 29 माइनस 30 माइनस 1। माइनस 1 कहाँ आएगा बच्चों, ये है माइनस 1, ये है माइनस 1, यहाँ बॉडी मिली आपको फाइनली। दिस इज़ द इनिशियल, दिस इज़ द फाइनल 5 सेकेंड पे। ठीक है बच्चों, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी, 5 वैल्यू पुट करो, 5 10 माइनस 6 4 4 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव। वाओ, इस बार जो आपने ऑब्जर्व किया बॉडी आई, पर इस बार इधर जा रही है, इस बार इधर जा रही है, तो वो इधर गई। मैं जैसे ये आप समझिए, आप मैं चलना स्टार्ट करता हूँ इधर, और 5 सेकेंड के बाद मेरी स्पीड डायरेक्शन ये है। आपको वो देखना है कि कहीं मैंने टर्न तो नहीं किया, कहीं मैंने टर्न तो नहीं किया, तो वो आपको क्लियर कैसे होगा बच्चों, तो आपको निकालना है वो टाइम जब वेलोसिटी क्या हो, जीरो। तो वो टाइम कितना आ जाएगा, 2t इज इक्वल टू 6 एंड t इज इक्वल टू 3, वो 3 सेकेंड। चेक करो ये जो टाइम आया है जब वेलोसिटी जीरो है, वो 5 सेकेंड से पहले आ रहा है या बाद में। अगर 6 आता तो हमें मतलब नहीं था, 10 आता हमें कोई लेना देना नहीं, 5 से पहले आ रहा है बेटा 3, तो हम इस 3 पे थर्ड स्टेप निकालेंगे 3 सेकेंड पे। बोलो एक्स की वैल्यू बोलो, 3 का स्क्वायर 9, 6 इंटू 3 18 प्लस 4, तो ये हो जाएगा बच्चों 9 4 13 माइनस 18 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5 लेट अस कंसीडर माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5। बॉडी यहाँ से चली यहाँ तक आई होगी और उसके बाद फिर वापस हो गई, तो ये पाथ है बच्चों बॉडी का, यहाँ से गई यहाँ से गई यहाँ से, इसने टेक ए टर्न एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन, ये टर्न ले लिया इसने। चेक भी कर सकते हो यहाँ पे, वेलोसिटी भी अच्छे से चेक करो, डबल श्योर हो जाओगे। वेलोसिटी चेक की, 5 रखो यहाँ पे, 3 रखो, 3 6 0, यहाँ पे बॉडी मोमेंट्री रेस्ट में आई, मोमेंट्री रेस्ट में आई। अब आपको इस क्वेश्चन में बच्चों एवरेज स्पीड बतानी है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। 5 सेकेंड कह रहा है, तो 5 सेकेंड में यहाँ से इनिशियल, दिस इज द फाइनल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मीटर, और टाइम बच्चों 5 इतना। अगर पूछता एवरेज वेलोसिटी, वो भी आप निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो वेलोसिटी के लिए ये इनिशियल ये फाइनल, ये इनिशियल ये फाइनल, 1 2 3 4 5 5 अपॉन 5 5 अपॉन 5, और ये क्या आ जाएगा बच्चों इस बार 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर, वेलोसिटी यहाँ से बॉडी चलती है 1 2 3 4 और 1 5, इनिशियल फाइनल, इनिशियल से फाइनल, तो इसमें भी आंसर बच्चों आपका 1 आ रहा है। तो आज हमने बेटा डिस्कस किया इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसमें ये वाली जो टाइप है ये थोड़े इंपॉर्टेंट टाइप है, तो इसमें आपको चेक करना पड़ेगा बच्चों, जब भी आपकी एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी पूछी जाती है तो आप चेक करके देखो कहीं बॉडी ने टर्न तो नहीं किया। और ये वाला जो कंसेप्ट है वेलोसिटी जीरो होगी ट्रेन चेक करने के लिए इज ओनली एप्लीकेबल फॉर 1D मोशन, क्योंकि 2D मोशन में तो बच्चों हम देखते हैं कि कार चलते चलते बिना रुके ही ट्रेन कर जाती है, पर अगर हमें रुकना टर्न करना है तो हमें मोमेंट्री रुकना पड़ेगा एंड देन टेक ए टर्न। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।